इसके जगह इस एक थीटा इनटू टेन थीटा इनटू डी थीटा पाई रूट अंदर इसके जगह उसका मार्ग देखने से ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर तो मार्ग दे जरूर समझना है होगा। इसमें से ए स्क्वायर हम बाहर निकालते हैं उसका वर्गमूल ए हो जाएगा और यह एक बच जाएगा अंदर बचा सेक स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर देगा उसका वर्गमूल टेन होगा और वो टेन यह टेन कट गया बच गया सेक थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ में आया ये तो फॉर्मूला है जी और मान हम देते हैं तो सेक थीटा का मान अगर मालूम है तो टेन थीटा का भी मान हम निकाल सकते हैं और नहीं तो सबसे आसान तरीका ये त्रिभुज बना ले उससे किसी भी चीज का मान हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज पर द्वितीय फलन का। तो यहाँ से सेक थीटा अगर निकाला जाएगा तब आएगा एक बाई ए और सेक बराबर होता है कौन बता था यानी कि एक्स बाई ए तो लॉग निकालेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और यहाँ मार्क देते हैं लॉग सेक थीटा का मान यहाँ से हुआ एक्स बाई ए टेन थीटा का हो जाएगा लंबा का था रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। इसमें कोई दिक्कत तो सिंपल बात है सप्ताह पहले पढ़े हुए और सेक थीटा का उतना इंटीग्रेशन हुआ मान वहां से ही रख दिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं लॉग एलसीएम ए होगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस यहां समझिए के लिख रहे हैं प्लस के यह इससे आपको समझ में आया नहीं आया एलसीएम ए होगा लॉग ए बाई ए का फॉर्मूला है लॉग एम माइनस लॉग ए होगा और अब एक कॉन्स्टेंट है लॉग ए भी कॉन्स्टेंट